हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं ममता सिंह। माय यूट्यूब चैनल ममता है, संतोष ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे फ्रेंड। तो कल मैं ब्लॉग नहीं दे पाई, उसके लिए सॉरी फ्रेंड। तो देख सकते हैं मैं रेडी हो रही हूँ, और आप लोग सोच रहे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ मायके, और आज जा रही हूँ फ्रेंड। कल चली जाऊँगी, क्योंकि घर पर भी कोई नहीं, इसलिए फ्रेंड। तो मेरी जो सिस्टर आई हैं, उनकी बेटियाँ आई हैं, तो मतलब उन्हीं से भेंट करने मैं जा रही हूँ मायके। तो देख सकते हैं फ्रेंड मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ, और बड़े वाले बाबू गए हैं नानी के घर, तो मैं भी जा रही हूँ फ्रेंड। तो मैं मतलब रात भर रहूँगी, सुबह फिर चली आऊँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड मैं रेडी हो रही हूँ, और हस्बैंड जी हम लोग को मार्केट जो आप लोग को दिखाई उस मार्केट में हमको छोड़ेंगे, और उसके बाद हम लोग ऑटो से जाएंगे। तो जो सिस्टर की बेटियाँ, उनको कुछ कपड़े भी लेना है मार्केट में, वो भी दिलाऊँगी। और आप लोग को फ्रेंड बता दूँ कि जो माँ के हाथ का स्वाद होता है, मतलब वो कहीं भी नहीं मिलता है। तो मैं आज अपने माँ से बाटी चोखा लगाऊँगी, जो कि देसी स्टाइल में काफ़ी अच्छा मेरी जो माता जी बनाती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं देख सकते हैं किस तरह, मतलब मैं रेडी हो रही हूँ झटपट, जो कि हस्बैंड जी को भी छोड़ के जाना होता है अपने काम पर। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स रेडी हो गई हूँ, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स कल मैं थोड़ा सा मतलब ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, क्योंकि फ्रेंड बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, इसलिए मैं नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ, और सीधे मार्केट में आप लोग से मिलती हूँ। तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं जल्दी चलिए, क्योंकि लेट हो रहा है। तो मैंने कहा बस 5 मिनट और दीजिए, उसके बाद चलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं करीब 10 बजे निकली थी, और फ्रेंड्स सामान बहुत सारा लेना था, इसलिए थोड़ा रात भी हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, क्या नहीं, वो जाने के बाद मालूम चलेगा। तो देख सकते हैं फिर यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, और कैसी लग रही हूँ जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, और आप लोग को भी दिखाती हूँ, अपनी सिस्टर से मिलवाती हूँ, और अपनी बेटी से मिलवाती हूँ, जो कि सिस्टर की बेटी है, कुछ पैसे रख लेती हूँ। तो चलिए सीधे मार्केट में चलते हैं। हम लोग मार्केट आ रहे हैं और बैठे हैं, और सिस्टर को जो रहे हैं, कल सिस्टर अपने घर चली जाएगी ससुराल, और उसकी बेटियां भी तो ही जा रहे हैं मिलने, और आज रात भर रहेंगे मम्मी खान, उसके बाद कल सुबह आ जाएंगे। तो सिस्टर आ रही है मार्केट में, उसको भी बाबू लोग को कपड़ा लेना है। तो अभी देख सकते हैं जो आप लोग के मार्केट दिखाई हूँ, अपना मार्केट इसी मार्केट में बैठी हूँ, और उसी का वेट कर रही हूँ। और आज रात भर रहूँगी मम्मी के यहाँ, और उसके बाद कल सुबह आ जाऊँगी। तो सिस्टर कल चली जाएगी, और बच्चे अपने बेटियों के साथ आई है, तो मैंने सोचा चलते हैं, भेंट भी हो जाएगा, मिल भी लूँगी, और सबसे मुलाकात भी हो जाएगा। तो देखे थे यहाँ पर मिली, मैं मार्केट में देखे थे यहाँ पर मैं बैठी हूँ, और आती हैं जो कि सिस्टर, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो अभी हम मार्केट में देख सकते हैं, तो चलिए चलते हैं। उनकी बेटिया रानी को कान छेदाना है, तो पता लगाते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। ये हमारे तरफ के मायके की तरफ का है रोड, और इस साइड हमको जाना है मायके। तो अभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं सिस्टर का, फिर चलते हैं। परी आवा, अरे बाप रे, परी झोला में ले लें, बोतल है क्या है, पकड़ो, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। भाई झोला पकड़ो मुँह से। मम्मी कहाँ, बच्ची वही लो, सो गए, सो गए, तो उसको घर पर रख के आना चाहिए ना बेटा। अब यहाँ तो ये हम काटा से ना छेड़वा, देखो ट्रेन है, उसमें क्या भरा रहता है, उसमें उसमें वो होगा, क्या कहते हैं, कोयला। इतना लंबा है, जब तक ये चला होगा। बाप, आ गए हैं ब्यूटी पार्लर में, और हाँ तो आज परी का कटवाना है बाल। कौन सा हेयर कटेगा परी, बेबी? अच्छा, तो देखिए आज बाबू का कटेगा बाल। हाय बोलो परी। हम भी बैठ जाए, हम लोग आ गए हैं ब्यूटी पार्लर में, परी का बाल कटेगा ना परी, तो ऊपर नहीं हाँ।
कौन सा कट कटेगा जी? फोटो खिंचाता बाबू का, मोबाइल में वीडियो बनाता। अच्छा तुम हेयर स्टाइल मतलब बना के कहाँ जी भी हो? ए परी, परी वाला आज कपड़ा पहन रहा है। परी के बार कट गया, परी बार कट गया ना, दुख रहा है थोड़ा सा और लहंगा पहनवाना मम्मा का भी छोटा का। कौन सा? ऐसे नक्का जो होता है ना, ऑफर देखो मंकी है जी। ठीक है, कहीं छोटा है क्या? और कलर का भैया दिखाइए। थोड़ा नापो देखो, कितने का है भैया? 150 में 2। क्या? 150 में 2 का। 150 में 2 है? नहीं, 100 रुपया में 2 है, 150 रुपया में नहीं है भैया, ऐसा मत करें। परी आपके लिए शॉपिंग हो रहा है ना, क्या है? बाल कटवाए परी का और कपड़ा खरीदे तो सब कान कट गया। परी का कान भी कट गया और घर पर सारा हम लोग दिखाएंगे क्या क्या खरीदे ना परी। पकड़ ला, ऐसे पकड़ ले, कैमरा बनाए है ना, 30 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट तो बताइए दिखाइए। ठीक है, ऐसे सड़ियो लग है दिखा दो है, मतलब रिगार्डिंग कर बताइए। भैया ले आइए, फिर भी जिमी टू लिया था मौसी। हाँ बेटा, इधर रात ही गए पहले निकल जाते हैं। आज में ही चला है इसमें। कितने तक होगा भैया? देखिए गाइस, ये बहुत सारा, देखिए हम लोग आज शॉपिंग। मौसी देखा देखा, कौन सा साड़ी पसंद आ रहा है बताइए। देखिए यहाँ पर साड़ी दिखाओ परी, साड़ी परी दिखा दीजिए। इसका नाम है जिम्मी, जिम्मी टू ना भैया, जिम्मी टू है। देखिए गाइज, मेरे लिए शॉपिंग करने के लिए मौसी भी शॉपिंग कर रही है। देखिए देखिए मेरी बहन गाइज, देखिए देखिए मेरी बहन, देखिए हाँ ये देखिए। बहुत बढ़िया चल रहा है इससे मेरे। देखिए ले लो, तुमको पसंद है तो हम तुम्हें ले लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और ये रेलवे है जो कि मेरे ससुराल और मायके के बीच में पड़ता है, और यहाँ पर हम लोग अभी वेट कर रहे हैं गाड़ी का, ऑटो में बैठे हुए हैं। क्या हुआ बेटा? क्या ये पौरी क्या कर रही है बेटा? अंदर का पैर, अंदर का पैर बाबू, सगरी से आ जाए, यहीं पर गाड़ी जो होना पड़ता है। परी देखो कैसे ब्लैक ब्लैक हो गया मुँह पर, रात हो गया शॉपिंग करने में, देखिए यहाँ पर रात हो गया पूरा, और हम लोग ऑटो में बैठे हुए हैं। कहाँ जाना है परी? शेरपुर। शेरपुर ट्रेन, देखिए यहाँ पर ट्रेन भी मेरे ससुराल और मायके के बीच में पड़ता है, तो ट्रेन जा रहा है, आपको दिखा रही हूँ। और कितना रात हो गया, अभी मम्मी जी भी वेट कर रही हैं, बाबू भी छोटे बड़े वाले बाबू। देखिए तो
और मेरी सिस्टर आई और उसके बाद सारा सा शॉपिंग हुआ। फिर तो कल वाले ब्लॉग में आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या खरीदी हूँ। और ये देख सकते हैं फिर रात भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग ऑटो से जा रहे हैं और यहाँ पर सब फ्रेंड्स कहीं से आइए तो यहाँ पर ऑटो नहीं मिलता है, वह इसलिए हम लोग को थोड़ा सा रात हो गया। और कब से मैं हम लोग वेट कर रहे थे, तो देख सकते फिर जो है आप लोग को मैं दिखा रही हूँ उस पार जो कि मेरा ससुराल है और इस पार मेरा मायके, तो फ्रेंड्स दोनों मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग के घर के पास में रेलवे भी है, आप लोग को दिखा रही हूँ। और आज अपने माँ से मैं बाटी चोखा लगवाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी, और बहुत ही उंगलियाँ चाटते हम लोग रह जाएंगे, मतलब इतना उनके हाथ में स्वाद, मतलब कितना अच्छा, बहुत ही अच्छा बनाती हैं। तो देख सकते हैं रात भी हो गया, तो चले सीधे घर पर आ जाते हैं। तो देख सकते हैं फिर यहाँ पर कपड़ा चेंज करने के बाद यहाँ पर मैं बाटी चोखा मेरी जो कि माता जी लगा रही हैं, तो आप लोग को भी मैं दिखाऊँगी। तो देख सकते हैं आटा और जो बेसन फिर वो भर के बना रही हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने जब भी मैं आती हूँ ससुर मतलब मायके में, तो मैं मम्मी जी के हाथ से ही बनवाती हूँ और मैं खाती हूँ, तो मैं भी बनाती फ्रे, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो मम्मी जी देख सकते हैं और फ्राई कर रही हैं बाटी को, तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। और बाटी खीर और चोखा बना है फ्रे, तो यहाँ पर पापा जी को मैं रेडी कर लेती हूँ और हम लोग भी साथ में खाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी जी बोल रहे हैं सबको निकालिए, साथ में हम लोग खाएँगे पूरा परिवार। तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ कपड़ा चेंज करने के बाद, फिर यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ और मम्मी जी जो कि फ्राई कर रही हैं। ये मेरा मम्मी जी का छोटा सा रूम है, यहाँ पर गाय गोरू हर चीज़ रहता है, तो सुबह आप लोग को सारा चीज़ मैं दिखाऊंगी। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है छोटा सा ही रहेगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं जो मायके में सुख रहता है फ्रेंड वो कहीं भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप काम करिए ना करिए, लेकिन कोई बोलेगा नहीं है, लेकिन ससुराल में सारा काम करना पड़ता है, फैमिली को लेकर चलना पड़ता है, तो वहाँ पर मतलब कोई कहेगा तो सुनना पड़ेगा ही। तो यहाँ पर देखते हैं मम्मी जी बना रही हैं और यहाँ पर सबके लिए मैं खाना निकाल रही हूँ। तो आज हम लोग साथ में ही खाएँगे पूरा फैमिली। तो मम्मी के हाथ से हम लोग उंगलियाँ चाटते रह जाए, मम्मी के हाथ जो स्वाद है माँ के जो हाथ का स्वाद रहता है वो कहीं भी दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर मम्मी बना रही हैं और मैं निकाल रही हूँ। तो छोटी सिस्टर भी आई है, तो मेरे उनकी बेटियाँ भी आई हैं दोनों, तो बोली मौसी आज रह जाइए कल जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है चलिए रहते हैं, तो आज मैं रुक गई फिर। तो देख सकते हैं हम लोग साथ में खाएँगे बाटी और चोखा और खीर। तो यहाँ पर हम सबके लिए खाना ले चल रहे हैं, देते हैं पापा जी है और भाई को और हम लोग भी साथ में खाएंगे। तो देख सकते हैं फिर यहाँ मैं खाना लेके जा रही हूँ और भाई को और मतलब पापा जी सबको दूंगी साथ में। तो चलिए ले चलते हैं, दे देते हैं सबको खाना, खिला देते हैं। तो सभी लोग खाना खाने के बाद फिर देख सकते हैं हम लोग सोने जा रहे हैं, रात काफ़ी हो गया फिर 11 बज गया था और हमें यहाँ पर सभी लोग सो गए। तो आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा फिर, अच्छा लगा तो प्यार से कमेंट जरूर दीजिएगा। और सुबह आप लोग को मैं दिखाऊंगी क्या क्या शॉपिंग की हो। और फ्रेंड्स ऐसे ही सपोर्टिव से प्यार बनाए रखिएगा, मिलते हैं नए नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।